वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखिए आज का हमारा टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, आज हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है और कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं कि जिसके अंदर जो हमारी पार्टनरशिप है वो डिसोल्यूट हो जाती है। डिसोल्यूट का मतलब क्या होता है कि हमारी पार्टनरशिप जो है खत्म होने वाली है। तो इससे पहले अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स अगर हम अब बात करते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो ये इसमें बताया है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इसमें ये बताया जाता है कि जो हमारा ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता है और उसकी जगह पे न्यू एग्रीमेंट कंटिन्यू रहता है। अब क्यों हमारा एग्रीमेंट ऐसे खत्म होता है, दोबारा जो है वो नया एग्रीमेंट बनता है, तो इसके कुछ कंडीशंस दी हुई है, कुछ केसेस हैं कि जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनके केसेस के बारे में। द पार्टनरशिप इज डीम्ड टू हैव बीन डिसॉल्व्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसके अंदर बताया है कि जो पार्टनरशिप है वो तभी डिसॉल्व होती है कि अगर इसमें से कोई भी एक केस भी मैच कर जाए तभी हमारी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, डिसोल्यूट हो जाएगी यानी खत्म हो जाएगी। तो इसके अंदर जो है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। PSR का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है हमारे बिजनेस के अंदर अभी काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जरा सा भी चेंज किया तो हमारा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, तभी बदल जाएगा, तो न्यू एग्रीमेंट बनेगा और न्यू एग्रीमेंट बनने को ही हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है कि हमारी फर्म कंटिन्यू रहती है, हमारी फर्म बंद नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट चेंज होता है। या फिर इसका दूसरा केस क्या है, इनकेस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, या फिर कोई न्यू पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है। थर्ड पॉइंट है इनकेस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, या कोई पार्टनर हमारे बिजनेस से जा रहा है, वो भी अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेके वो जा रहा है या फिर उसकी एज पूरी हो गई है तब वो जा रहा है। ठीक है, तब भी हमारा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है इन केस ऑफ एक्सपल्शन ऑफ ए पार्टनर। एक्सपल्शन का मतलब क्या होता है, देखो रिटायरमेंट का तो मतलब होता है कि वो अपनी मर्जी से जा रहा है या कुछ उसका टाइम पीरियड है वो खत्म हो गया। एक्सपल्शन का मतलब होता है कि वो पार्टनर जो है हमने अपने बिजनेस से निकाल दिया। ठीक है, तो उसकी वजह से भी अब वो पार्टनर गया तो है ये हमारे बिजनेस फर्म से, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, हमारी फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा, फर्म का नहीं सॉरी हमारी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर में क्या है कि बाय द चांस अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो भी हमारी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, डिसोल्यूट हो जाएगी, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारी पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है पुराने वाला वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है कि दिवालिया हो जाना, यानी कि अब किसी पार्टनर, कोई पार्टनर ऐसा है जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे किसी भी चीज की पेमेंट करने के लिए, उसने कोई लोन ले रखा है तो भी उसको हमारे बिजनेस से बाहर कर दिया जाता है, और यानी उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है इन केस ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप। अब देखें यहाँ पे पार्टनरशिप खत्म हो रही है, पार्टनरशिप का कुछ टाइम पीरियड है तो वो खत्म हो रहा है, तो उसके साथ साथ हमारी पार्टनरशिप का क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा, उसकी जगह पे नई पार्टनरशिप चालू होगी। तो ये तो था कि पार्टनरशिप डिसोल्यूट कैसे होती है, कि इसमें क्या होता है कि किसी भी इन रीजंस की वजह से, कुछ भी इनमें से सर्कमस्टेंस होने की वजह से क्या हो जाता है, हमारी फर्म का जो पुराने वाला एग्रीमेंट होता है वो खत्म हो जाता है और उसकी जगह पे एक न्यू एग्रीमेंट जो है वो चालू रहता है, किसके बीच में, जो हमारे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं। ठीक है, इसमें क्या नहीं होता, इसमें हमारी मर्जी होती है कि हम फर्म को बंद करें या ना करें, अदरवाइज हमारी फर्म क्या हो रहती है, चलती रहती है यानी कॉन्टिन्यू रहती है। तो आज का हमारा टॉपिक बस इतना सा ही था, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू वेरी मच।